चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है 2 सेकेंड और हमें इससे लेंथ इंक्रीज 4 टाइम्स कर दिए, तो टाइम पीरियड कितना बढ़ जाएगा उसे हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो टाइम पीरियड का सिंपल फार्मूला हमें सबसे पहले याद है, ऑलरेडी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πL/g अंडर रूट, दैट इज 2 इज गिवन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, टी डैश इज इक्वल टू 2πL/g अंडर रूट, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमने दो इक्वेशन सिंपल याद कर लिया। बी केयरफुल कि ये टाइम पीरियड तभी लगता है जब एल इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ द अर्थ। आपको ऐसा सिंपल पेंडुलम नहीं बना देना है जिसका लेंथ यहां से लेके मार्स तक हो, मून तक हो। इतनी बड़ी सिंपल पेंडुलम नहीं बना देना जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो, तो उस वक्त ये फार्मूला नहीं लगता है। ठीक है, तो हम बेसिकली जो लेंथ है टाइम पीरियड जब 2 सेकेंड दिया हुआ था, लेंथ एल को हमने 4 टाइम्स कर दिया, मतलब बहुत आसान सवाल है। तो एल डैश इज इक्वल टू 4L के बराबर हो गया, तो टी डैश इज इक्वल टू 2π4LG अंडर रूट, मतलब ये हुआ 2π अलग से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो L/g अंडर रूट, और ये फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लो। यहाँ जो दिया हुआ है उसको मैं अगर सेकंड में पुटअप कर दूंगा तो टी डैश इज इक्वल टू 2 times t, टाइम पीरियड जो है वो सीधे डबल हो जाएगा। पहले कितना था टाइम पीरियड, 2 multiplied by 2, दैट इज 4 सेकेंड हो जाएगा, दैट इज द फाइनल सोल्यूशन, दैट इज डी ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आ गया।